Hello dear students, my name is Manvendra Jivan and this video is for class 5 and I'm discussing about chapter 1st. यह वीडियो चैप्टर 1 के लिए लास्ट वीडियो है. इसके पहले आपको मैंने बेसिक्स बताए थे, नोटपैड और वर्ड पैड के डिफरेंस बताए थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और मल्टीपल डिवाइसेस के बारे में बात की थी. तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यह आपका लास्ट वीडियो है चैप्टर 1 के लिए केवल. इससे ठीक 4 या 5 तारीख को मैंने वर्कशीट दिया था क्लास 5 के लिए. आपको उसको अपनी कॉपी में उतारना है, जहाँ जहाँ तस्वीरें हैं, डायग्राम है, उनको ड्रॉ भी करना है और उन टॉपिक्स को याद भी करना है. मैंने उसी ही अकॉर्डिंग आपको वो बना के दिया है. जैसे कि सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, रीड कॉपी एंड लर्न लिखा था मैंने, जिसमें से 8 टॉपिक्स मैंने डिस्क्राइब किए थे. उसी सब चीज़ों को मैं आज समझाऊंगा भी और आपको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा. आपको उतना ही याद रखना है, ठीक है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, पहला हाई स्पीड. आप जैसे नाम से जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. कैसे पता करें? मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है और उस फाइल की 5000 कॉपी करनी है. एक ह्यूमन या दुनिया की कोई भी मशीन इस काम को करने में हो सकता है कि हफ्तों या महीनों लगा दे, लेकिन कंप्यूटर के लिए मिनट का काम है, मिनट से भी कम समय में काम कर लेगा. हम अगर छोटा सोचेंगे तभी तो हमको पता ही नहीं चलेगा हाई स्पीड क्या है. बस सही है. तो इसके कहा कि अगर किसी की फाइल को हमको 5000 कॉपी करनी है, 6000 कॉपी करनी है, तो यह काम बहुत तेज करना होगा, नहीं तो महीनों लग जाएंगे. दैट इज हाई स्पीड. नाउ एक्यूरेसी, कंप्यूटर 100% सही काम करता है, उसमें गलती नहीं होती. 110% गलती हमसे होती है. हम अगर गलत इनपुट करेंगे, सपोज हमको 50-30 करना है, हमने 50 सही लिखा, माइनस की जगह पर प्लस हमसे क्लिक हो गया और मैंने 30 दबा दिया, तो वो ऐड करेगा या माइनस करेगा? डेफिनेटली ऐड करेगा, करना था हमें माइनस. तो गलती हमारी है, कंप्यूटर गलती नहीं करता. सो एक्यूरेसी का मतलब हुआ कंप्यूटर हर हालत में काम सही करेगा, 100%. दैट इज एक्यूरेसी. डिलिजेंस, डिलिजेंस का मतलब बहुत परिश्रमी, बहुत ही कर्मठ, कभी न थकने वाला, कभी बोर नहीं होने वाला मशीन. क्योंकि मशीन है, कोई फीलिंग तो है नहीं, उसे ब्लड या हाड़ मास या दिमाग, आंख, नाक, कान तो है नहीं जो कि उसको फील होगा कि उसको दर्द हो रहा है, भाई अब हम ये काम नहीं करेंगे, मैं बोर होने लगा. आप इसको ऑन करके बस बिजली देते रहिए, पावर देते रहिए, बैटरी देते रहिए, महीनों काम करवा लीजिए, टस से मस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं उसको. दैट इज डिलिजेंस. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, मतलब कभी नहीं थकने वाला मशीन, दैट इज डिलिजेंस. नाउ मेमोरी, हम जब भी कोई इनपुट या कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं, वह याद होगा कि मैंने एक बार आपको पिछले क्लास में याद भी करवाया था, सीपीयू के 5 इंटरनल 5 पार्ट्स, मदरबोर्ड, रैम, रोम. यहाँ वही रैम रोम मेमोरी है जिसकी वजह से कंप्यूटर अपना प्रोसेस कर पाता है, यही है मेमोरी. क्लियर? स्टोरेज, हम जब कोई काम कर लेंगे, कोई फाइल बना देंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसको कहीं से कहीं सुरक्षित रखेंगे, सेव करेंगे. दैट इज सेव. तो सेव कहाँ करता है? कंप्यूटर है नॉर्मली तो हार्ड डिस्क में, अगर उसको कहीं लेके जाना है तो पेन ड्राइव, कहीं घुमाना फिराना है तो सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड. दैट इज स्टोरेज. वर्सेटाइलिटी, यह कई तरह के काम कर सकता है, यह गाना बना सकता है, ये फिल्म चला सकता है, ये कैलकुलेटर में जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है, ये मूवी प्ले कर सकता है, ये एरोप्लेन उड़ा सकता है, ये ट्रेन मेट्रो ट्रेन कंप्यूटर से ही चलती हैं. अब तो कई जगह, कई दिल्ली बॉम्बे में तो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन होती हैं, कंप्यूटर ही इसको ऑपरेट कर लेता है. तो कई तरह का काम कर सकता है. दैट इज वर्सेटिलिटी. कई मतलब जैसे हम इंजीनियर, हम जैसे मान लीजिए, कभी आपने कभी दुनिया में कभी सुना है कि एक आदमी इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और पुलिस ऑफिसर भी. कोई भी हम एग्जांपल देखिए तो है क्या? किसी भी ह्यूमंस के पास क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो एक काम या दो काम में परफेक्ट हो सकता है, मल्टीपल काम में वो परफेक्ट नहीं हो सकता. लेकिन कंप्यूटर मल्टीपल काम में परफेक्ट है. वो फिल्म बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर लेता है, दवाई बेचने वाले या दवाई बनाने वाले. अभी जैसे कोरोना है, उसकी वैक्सीन तैयार हो रही है, इसके सारे डेटा को कौन कलेक्ट कर रहा है? कंप्यूटर ही तो कर रहा है.
तो ये भी काम वो कर लेता है। नाउ पर्सनैलिटी समझ में आ गया। नाउ परफॉर्म मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स का मतलब कई तरह के काम एक साथ कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप कर रहा है, उसी बीच में फेसबुक खोल दिया, उसी बीच में किसी को कॉल कर लिया, इसी बीच में कोई मूवी देखने लगे, इसी बीच में कोई गेम खेलने लगे, मल्टीपल जॉब्स। एक ही स्क्रीन पर बारी बारी से आप मल्टीपल जॉब कर सकते हैं। नाउ मल्टीटास्किंग, कई तरह के टास्क करना। तो मल्टीपल जॉब्स और मल्टीटास्क लगभग सेम है, कई तरह के टास्क एक साथ कर लेना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल टास्किंग। क्लियर है, कोई दिक्कत ना? इसके बाद से मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना को दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स को अलग अलग करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मतलब उसको अब सेकेंड टॉपिक है ये, ध्यान दीजिए। कंप्यूटर के दो हिस्से हुए, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की तरफ पहले चलते हैं, हार्डवेयर बाद में। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में दो तरह के हुए, आपके लेवल पर और भी होते हैं, ये नहीं सोचिए कि ये लास्ट है। नहीं नहीं आपके क्लास के लाइफ में सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स बनाए गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वह सॉफ्टवेयर जो कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करे, जैसे विंडो। मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है, विंडो 2007, विंडो 2008, एमएस डॉस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, ड्राइवर्स। अभी ड्राइवर क्या है, ये नया नाम है अपने, ड्राइवर्स क्या है, जैसे कैसे है, आप बस में बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाते हैं, सब कुछ, सब अपने अपनी जगह बैठ के क्या गाड़ी चलाने लगती है, गाड़ी चलाने के ड्राइवर चाहिए। मतलब वह जो सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें क्या हुआ, इंजन, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है इंजन, उस इंजन को कंट्रोल कौन करेगा, ड्राइवर। तो ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर ही होता है, अलग से सोचने की जो बिजार दिमाग लगे जरूरत नहीं है। यस, ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर होता है, वह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिल करके आपके सारे एप्लीकेशन को सही से रन करने की मदद करता है। ओके, नाउ सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बाकी सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे अगर आप चाहे कि आपके घर के दरवाजे के पास ट्रेन आ जाए, आएगी ट्रेन अपनी पटरी पर ही दौड़ेगी। आप चाहिए कि हवाई जहाज से सीधे आप अपने छत पर उतर जाएं, पॉसिबल है? नो, वह एयरपोर्ट पर ही उतरेगी। ट्रक हो सकता है कई सारी पतली गलियों में ना जा सके, नहीं जा सकता, हर गली में तो नहीं जा सकता। तो हर चीज़ का एक रूट है यार, एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वह प्लेटफॉर्म देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ड्राइवर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है हर सॉफ्टवेयर एक खास तरह का ही काम करेगा। जैसे इंजीनियर पुल बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, डॉक्टर लोगों की देखभाल करेगा, उनकी जान बचाएगा, उनको दवा दारू करेगा, टीचर पढ़ाएगा, आपको सही जानकारी देगा, आपको सही ज़िंदगी में रास्ता दिखाएगा। तो क्या टीचर डॉक्टर का काम कर सकता है? नो। क्या डॉक्टर इंजीनियर का काम कर सकता है? नो। क्या एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर का काम कर सकता है? नो। उसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वह सॉफ्टवेयर जो केवल किसी खास तरह के काम करो। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है पेंट ब्रश, पेंट ब्रश केवल ड्राइंग बनाएगा, वो ड्राइंग बनाने का ही सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ ड्राइंग कर सकता है। नोटपैड, वर्ड पैड, या केवल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट वाले काम कर सकते हैं। एमएस ऑफिस, अब एमएस एक्सेल का काम एमएस वर्ड में नहीं होगा, एमएस वर्ड का काम एमएस एक्सेल है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप क्या सीखे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह एप्लीकेशन है जो केवल किसी खास तरह के काम को कर सके, वह दूसरे वाले काम को नहीं कर पाए। ओके, जैसे जिसमें चिट्ठियाँ बनती हैं, जिसमें लेटर्स तैयार किए जाते हैं, बुक्स तैयार की जाती हैं, उनमें कैलकुलेशन नहीं होगा। जिनमें कैलकुलेशंस होगा उनमें चिट्ठियाँ नहीं लिखी जा सकती। ओके, कैलकुलेटर, आप क्या कैलकुलेटर में ड्राइंग कर सकते हैं? सोच के देखिए, ये तो बेवकूफ़ वाला सवाल। साइकिल को रेलगाड़ी बना सकते हैं? नहीं, साइकिल का अपना यूज है, रेलगाड़ी का अपना यूज, रेलगाड़ी हवा में नहीं उड़ सकती। सो दैट इज ओके। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर का साइड कंप्लीट। ओके, तो हम हार्डवेयर के पार्ट में चलते हैं। हार्डवेयर के मेन बेसिक चार पार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट आप क्लास पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर के चार पार्ट्स मैंने बताया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट आपने पहले भी देखा है, इनपुट का क्या क्या है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। अब कीबोर्ड तो आपने देखा है, कीबोर्ड से हम डेटा लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, कमांड्स प्रेस करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं। माउस से किसी चीज़ को पकड़ के ड्रैग करने में, खींचने में, डिजाइन बनाने में बहुत यूज होता है। जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज होता है,
माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का जैसे अभी मैं मेरे कान में, आपने देखा वीडियो कॉल में, वीडियो में देखिए मेरे कान में हेडफोन्स लगे हैं, और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा मेरी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन। कान में जो लगा है उसको बोलते हैं हेडफोन, कान वाले पार्ट को हेडफोन, और जिससे आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड की जा सकती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन। क्लियर ना? स्कैनर, स्कैनर आप जानते हैं कि जैसे अगर किसी चीज़ को हमको, अगर आपको अपनी बुक, आपके आपको अपने पास चाहिए तो स्कैनर में आप बुक रखिए, जिस मशीन से फोटो कॉपी होती है उसी तरह की वो मशीन होती है। उसमें क्या होता है, कागज़ में वह चीज़ प्रिंट होकर बाहर नहीं निकली, वह कागज़ डिजिटल फॉर्म में फोटो के रूप में कंप्यूटर में से, दैट इज कॉल्ड स्कैनर। क्लियर ना? प्रोसेस, प्रोसेस के दो तीन डिवाइसेस हैं, जैसे सीपीयू, सीपीयू चिप आपको मैंने याद है क्लास में बाकायदा ला के दिखाया था, सीपीयू वह सीपीयू बॉक्स है, मैं सीपीयू चिप की बात कर रहा हूँ। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह भी एक पार्ट है जो कि कंप्यूटर में होता है। सीयू कंट्रोल यू, ये तीनों मिलके आपस में आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करते हैं, आपके जॉब के लिए प्रोसेस करते हैं आउटपुट। अब वह पार्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आप अपने कंप्यूटर के आउटपुट शो देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन जानते ही हो, प्रिंटर जिसमें कि आपका आउटपुट कागज़ में प्रिंट होकर निकलेगा, स्पीकर जिसमें आवाज़ें बाहर आएंगी, गाने मूवी प्ले करना, हेडफोन मैंने अभी बात की कि अभी मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ है तो उससे आवाज़ मैं ले सकता हूँ, माइक्रोफोन से मैं आवाज़ दे सकता हूँ, यही डिफरेंस है। नाउ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखा होगा गांव देहात में या किसी जगह में जहाँ पर फिल्म या बहुत सारे पब्लिकेशंस दीवारों पर या बड़े बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं, दैट इज योर प्रोजेक्टर। अब आइए लास्ट पार्ट, चौथा, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, जहाँ हम कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं, तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हुआ, सीडी में भी सेव करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसमें डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा आता है, एक और आता है ब्लूरे, ब्लूरे में डीवीडी से भी ज़्यादा डेटा आता है। अगर एक एग्जांपल दो समझो, सीडी में 700 MB डेटा आता है, डीवीडी में लगभग 4.25 मैंने 4.33 GB डेटा आता है, जीबी गीगाबाइट, और ब्लू रे में लगभग 20 GB से लेकर के 80 GB तक का डेटा आ सकता है ना। पेन ड्राइव, आपने कई बार मेरे को पेन ड्राइव में देखा है, आपके प्रोजेक्ट्स में उसी में कॉपी करता था, पेन ड्राइव छोटा इक्विपमेंट है, ले आना बहुत आसानी होती है, इसमें भी हम डेटा सेव करते हैं। मेमोरी कार्ड, आपके मोबाइल में जो उसमें डाटा सेव होता है उसमें हार्ड डिस्क नहीं है, उसका नाम है मेमोरी कार्ड, वो एक छोटा सा चिप जैसा होता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि मैंने आपको ड्राइंग बना करके सीट में दिया था, आज आपको समझा देती है, कोई दिक्कत? यस ना। अब मैंने एक अपने मन से आपको दे दिया है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस किस रूप में हमारे पास आया, छोटा ब्रीफ दूंगा, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ये याद करने की चीज़ बस जितना ग्राफ में लिखा है उतना है। जैसे एबेकस कब हुआ था, 5000 ईयर्स ago पहले हुआ था, नेपियर बोन 1614 में, पास्कल लाइन 1642 में, एनालिटिकल रीजन 1883 में, IBM 1943 में, ENIAC 1946, कोई दिक्कत? तो यह एक है कि कैसे कैसे सबसे पहले आज से 5000 साल पहले कंप्यूटर का एक तरह से पहली नींव रखी गई, उसमें और कुछ नहीं था, एक स्लेट की तरह था जिसमें रॉड्स थे जिसमें गोलियां गिन गिन के हम लोग काउंटिंग करते थे, बस इसका इतना ही यूज। नेपियर बोन्स में भी लगभग यही था, नेपियर बोन, पास्कलाइन, एबेकस तीनों लगभग एक जैसे हैं जिसमें जोड़ घटाव करना या गुना भाग करना ये तीनों में होता था, ये धीरे धीरे बड़े होते गए। एनालिटिकल इंजन, यह पहला कंप्यूटर है जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1883 में, 1883 में बनाया था, जिसके बाद कंप्यूटर का आधारशिला रखी गई, पहली नींव तैयार हुई, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर उसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबर, और उसके उनके बनाए हुए कंप्यूटर का नाम क्या है, एनालिटिकल इंजन। इसके बाद से IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, Mark 1, Mark 2, Mark 3 तीनों हैं, लेकिन अभी तत्काल सिर्फ आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए GK टाइप में IBM मार्क 1 मैंने दिया जो कि 1943 में किया गया था, यह इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, इसमें बिजली और मशीन का दोनों का कंबाइन रूप था, लेकिन ये दोनों कंप्यूटर बहुत बड़े थे, कमरों में आते थे, कई कमरों में एक कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर जो है यह नॉर्मल ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते, ये खास तरह के साइंटिफिक लोग ही इसको यूज कर सकते। लास्ट आपका ENIAC, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म
कैलकुलेटर भी यूज किया जाता है, इसलिए कहीं अगर कैलकुलेटर दिख गया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर या कंप्यूटर दोनों यूज कर सकता है। कैलकुलेटर भी कम कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटर भी कैलकुलेशन करता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यह लास्ट 1946 में ENIAC कंप्यूटर, और आज जो कंप्यूटर हम जिस रूप में अपने जेब में या लैपटॉप में या मोबाइल में देख कर यूज कर रहे हैं, उसका सबसे लेटेस्ट पार्ट था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी मशीन थी, ENIAC। ठीक है, नाउ थोड़ा सा जानकारी प्रिंटर के बारे में दे दें। थोड़ा सा प्रिंटर, प्रिंटर दो तरह का होता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, इसलिए छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है कि टाइपराइटर, आपको मैं इसको समझाता हूँ। टाइपराइटर अगर कहीं भी देखा होगा तो टाइपराइटर को जब की दबाते हो तो उसके उस टाइपराइटर के ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पर, इसलिए याद मुझे उंगली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वह अक्षर लिखा होता था। तो जब वो पेपर पर हिट करता है, दबाता है, तो वह अक्षर उस कागज पर उग जाता है, चूंकि उसमें स्याही लगी होती है। तो जब कागज पर प्रिंटर या उसका हेड टच करे तो इम्पैक्ट, और जब टच नहीं करे तो नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर दोनों तरह के होते हैं, जिसमें कागज पर प्रिंटर का हेड टच करता है और आपके लिए ड्राइंग बना देता है कागज पर, या चीजें लिख देता है, दैट इज वह इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। और जिस पर हेड टच नहीं करता, जैसे कि आजकल के लेजर प्रिंटर्स, वह हेड टच नहीं करते, दूर से कागज पर स्प्रे करते हैं, इसीलिए प्रिंटिंग बहुत ही फाइन आती है। तो समझ में आ गया, सीधा मैं लास्ट पे सेंटेंस बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट जिसमें कागज पर हेड टच करे, और नॉन इम्पैक्ट जिसमें कागज पर हेड टच ना करे। क्लियर, गुड। अब एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब कि जो कंप्यूटर में हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वह सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको पिछले वीडियो में बताया था और आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सो इस वीडियो में आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट आप बना लीजिएगा, उसको जितना मैंने दिया है उसको ड्रॉ करके याद कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगा, अब चैप्टर 1 के लिए मैं वीडियो नहीं दूंगा, वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2 के लिए वीडियो लाऊंगा। तो अब नेक्स्ट वर्कशीट मिलेगा जिसमें कि आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व, सारे के सारे मैं सॉल्व करके दूंगा, आप बस अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। जब भी स्कूल खुलेगा मैं चेक कर दूंगा, और तब तक उसको याद कीजिए, ताकि ये बहाना ना रह जाए कि सर हमको मिला ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे, कैसे याद करेंगे। पूरा टाइम मिला हुआ है, आराम से उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। ओके, स्टे होम, स्टे हेल्दी। चैप्टर 1 फिनिश्ड। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।